सबने शा पहले जय हिंद। अज गलबात करके बॉलीवुड की एक बड़ी गै बड़ी फिल्म अज रिलीज़ हुई है शिकारा। तो अज काफ़ी रिव्यू आने शिकारा दे, सब लोगों अपना अपना रिव्यू देना है। मैं सोचा कि उन्होंने रिव्यू अस डोगरी दे चे, ते मैं डोगरी च अज शिकारा का रिव्यू देन लगा। बस हूँ ही ख़त्म हुई है फिल्म, तो फिल्म देखी मैं, शैल बनी दी है। कश्मीरी हिंदू पंडित जड़े 1990 जिन्होंने घरों कढ़ी उड़िया ही उन्दे उपर ये फिल्म पूरी बनाई दी है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने बड़ा काम किया है, रिसर्च भी की है। लेकिन होंदा क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर होंगे न, फिल्म बनाने के कन्ने थोड़ा बहुत अपना कमर्शियल पार्ट भी जरूर दिखते हैं। तो इस फिल्म भी कमर्शियल पार्ट दिखाया गया है। शुरुआत तो लैके फिल्म के एंड तक ज़्यादातर फिल्म जी एक लव स्टोरी उपर आधारित है, और लव स्टोरी के कन्ने कन्ने फिल्म एच कश्मीरी हिंदू पंडितों पंडितों का दसदा है कि किस तरह उन्हें उतों कढ़िया, तो उसले के हालात हुए, आतंकवाद किस तरह उत्थे पनपया, तो आतंकवादियों किस चाली कश्मीरी हिंदू पंडितों की कश्मीर तो बाहर कढ़िया, तो वह बेचारे वापस आए जम्मू पुजे, इतने अपना समान जिन्ना हो सके रातों रात कट्ठा किया, तो निकल आए, निकली तो आए। उसके बाद कैंपा च उन्होंने रहना पा, कैंपा के कन्ने कन्ने कई सारी मुसीबत भी कैंपा च उन्होंने, हर कैंप परेशानियां हुई, मुसीबत भी रही सारिया, और वो चीज़ थोड़ी घट दसी गई है कि कैंपा च के प्रॉब्लम आई ही। प्लस एक चीज़ और जी मैनू पसंद नहीं आई, खास करिए टेररिज्म, आतंकवाद की उस हिसाब नाल नहीं दसा गया जिस हिसाब नाल आतंकवाद की दसना चाहिए है। पहले तो टेररिज्म की जगह जड़ा शब्द यूज़ किया गया है वो मिलीटेंसी का किया, तो मिलीटेंसी तो टेररिज्म च बड़ा फर्क है। हुण मैं इस रिव्यू च उस पूरे फर्क की नहीं समझा सकता, लेकिन जरूर किसी दिन स्पैशल वीडियो समझाऊंगा। तो मिलीटेंसी शब्द यूज़ किया गया है टेररिज्म की जगह। प्लस दूसरी चीज़, फिल्म उपर ज़्यादा फोकस लव स्टोरी उपर ही रखा गया है, लेकिन उस लव स्टोरी दे विच भी डायरेक्टर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ दसी है कि वो लव स्टोरी 1990 जिहड़ी माइग्रेशन हुई कश्मीरी पंडितों की, उहदे च किस तरह उनका जिहड़ा प्यार है बरकरार रहा, लेकिन उसी बीच जिहड़ी फिल्म की हीरोइन है वो बीमार हो गई, तो एंड च उनकी मृत्यु हो जाती है। पर वो अपने घर जाना चाहती है, अस्थियां अपने के घर चाहती है कि उत्थे के सवा होन, उत्थे के अपने घर च के रखिया जान, जिहड़ी जिथे जिस घर चो बाहर कढ़िया गया है। प्लस फिल्म च कुछ इस तरह भी दसा गया कि जिहड़ा उनका मकान है उन्हूं कश्मीरी जिहड़े उत्थे हथिया लैंदे और बाद च वो कहंदे जी पैसे लै लो, जो कि पॉसीबल ही नहीं है। इधर तो कोई निक्की झुग्गी भी एनक्रोच कर ले तो वह भी नहीं छड़दा, तो मकान कौन छड़ेगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ा कुछ बड़ी बारीकियां जड़ी मैं नोट कीतियां। बाकी फिल्म ओवरऑल ठीक है, स्टोरी अच्छी है, कश्मीरी हिंदू पंडितों का माइग्रेशन का कंसैप्ट चंगा लिया डायरेक्टर ने। लास्ट फारूक अब्दुल्ला ते और कश्मीरी लीडरों का भी धन्यवाद किया। तो प्लस जी एम स्टार्टिंग आख्या, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का काम है पैसे कमाना, और पैसे कमाने लिए सब्जेक्ट तो चुनते हैं, लेकिन उहदे च हर चीज़ उस हिसाब नाल नहीं चुनी जाती है या दसी जाती है जिहदे नाल रियलिटी सामने आए। बस दस दिन दिन पैसा तो कमाना गया है, और पैसा पूरी तरह कमाना पे उहदे लई जो रियलिटी है या जो रियल फीलिंग्स हैं वो नहीं भी दसी जाती। ये आज दी गल नहीं है, बड़ी पुरानी गल है। ये सीगा रिव्यू शिकारा फिल्म का डोगरी च। तो तुस लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भुलो। जय हिंद।